हेलो दोस्तों, आपने देखा हमारे दोस्त और मित्र और कस्टमर मिस्टर भूपेन जी का हमने किया है लुक चेंज। पहले जो दिख रहे थे इनको बर्न हो गया था, इधर जल गया था बचपन में जिसमें हमने उस जगह पे लगाए बाल, जो भी अमेजिंग और काफी ढूंढ के आइडल सैलून आए थे। तो मिस्टर भूपेन जी से आप मिलिए और पूछिए उनको कैसा फील हो रहा है और उन्होंने रिप्लेसमेंट क्यों कराया। मिस्टर भूपेन जी आप बताइए हमारे दर्शकों। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आइडियल में आके। मेरा कटिंग बर्न हो गया था सर, जो बड़ी मुश्किल से सही किया सर ने, उसका थैंक यू सर, धन्यवाद। आपको ऐसा मालूम था कि आपका जो जले हुआ पार्ट है इधर पे वहाँ पे बाल लग जाएंगे? नहीं सर। आप पहले कहीं गए थे उसकी इंक्वायरी के लिए? नहीं सर। अच्छा, तो आपको आइडियल का कैसे मालूम पड़ा? जी सर, मेरे चाचा थे वो, उनके दोस्त के द्वारा मुझे यहाँ जानकारी मिली। तो दोस्तों, आइडल सैलून में आप देख रहे हैं नेचुरली हेयर फॉल नहीं, हेयर बर्निंग के कारण भी अगर आपका बाल वहां से चला गया है तो आइडल सैलून आपको उस जगह ट्रीट करके देगा, वो भी नॉन सर्जिकल तरीके से और नेचुरल तरीके से। आपको हम दिखाते हैं जो हमने लगाया हुआ उसको भी हम आपको फील कराते हैं कि दिखने के बाद कैसा दिखेगा। तो चलते हैं हम इनके स्कैल्प और हेयर के लिए। तो आप देख रहे हैं मिस्टर भूपेन जी को हमने रिप्लेसमेंट किया हुआ है। आपको देखने के बाद फील भी नहीं आएगा कि कहाँ इनके बाल गए हुए हैं कहाँ नहीं गए हुए हैं। ये देखिए, ये हमने बाल लगाए हुए हैं मिस्टर भूपेन जी को, पूरा एकदम नेचुरल स्कैल्प दिखेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि बाल गए कहाँ हैं कहाँ नहीं गए। यहाँ तक कि हमने कलम भी इनकी तैयार की हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बाल नहीं था, ऐसा पूरा स्किन हो गया था, लेकिन वहां पे हमने इनको कलम भी तैयार की है, तो वो पूरा नेचुरल तरीके से रहेगा। और ये देखेंगे आप अब मिस्टर भूपेन जी को, ये हमारा हेयर यहाँ से लगा हुआ है पूरा और ये मिस्टर भूपेन जी की स्किन है, तो आपको बस यही डिफरेंस आएगा, कोई उठो को फील नहीं होता, कुछ नहीं होता, 100% नेचुरल लुक आता। तो दोस्तों आइए आप भी आइडल सैलून और अपना लुक चेंज कराइए।